Good morning, students. Today we will discuss about digestive system of scholiodon. The digestive system of scholiodon, it includes alimentary canal and digestive gland. Alimentary canal is also known as gut, and different digestive gland which open into it, and they releases different type of enzymes for digestion of the food. So alimentary canal of scholiodon, it begins with the mouth and ends with anus, and it is longer than the body and include different parts like mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach and intestine. And there are different type of digestive glands are also present in the digestive system of scholiodon, and they are liver, pancreas, rectal gland and spleen. So first we will discuss about alimentary canal. So alimentary canal, it begins with mouth and ends with anus. So first mouth, it is semi oval slit bounded by upper and lower lips, and mouth open into a buccal cavity. Buccal cavity, actually it is dorsoventrally flattened portion lined by jaws, and in buccal cavity teeth are also present, and teeth are homodont, sharply pointed homodont, polyphyodont as well as lyodont. So homodont means all the teeth are similar in shape and size. Okay, सारे के सारे teeth जो होंगे वो समान होंगे. उसके अलावा polyphyodont का मतलब हो जाएगा कि ये जो teeth हैं वो बार बार जो है, अगर आपका teeth fish के अंदर damage हो जाता है वो फिर से new teeth से replace हो जाएगा. And lyodont का मतलब हो जाएगा कि teeth जो हैं actually वो पीछे कई सारे rows में arrange होते हैं, है ना. तो इस तरह से इनके teeth जो हैं, और दूसरी important चीज़ कि टीथ जो होते हैं वो मॉडिफाइड प्लैकोइड स्केल्स होते हैं, ना. सारे के सारे टीथ समान होंगे, एक ही शेप और साइज के होंगे. उसके अलावा उनके अंदर जो है टीथ जो हैं वो पॉलीफायरोंट होंगे, रिप्लेस हो जाते हैं, और लायरोंट होंगे, यानी कई सारी रोज के अंदर अरेंज होते हैं ये, है ना. फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है एलिमेंट्री केनाल का, वो हो जाता है फेरिंग्स. तो फेरिंग्स रीजन जो है पोस्टीरियरली जो बकल कैविटी है वो पीछे ओपन होती है आपके फेरिंग्स रीजन के अंदर. एंड फेरिंग्स रीजन, इट इज़ एक्चुअली अ लार्ज कैविटी एंड लाइंड बाय एंडोडर्म पोर्शन, है ना. अब ये जो फेरिंग्स रीजन है वो पीछे की तरफ ओपन होगा आपके ईसोफेगस के अंदर. तो ईसोफेगस जो होता है एक्चुअली फेरिंजियल स्पेस कैविटी नैरोज डाउन पोस्टीरियरली इनटू अ शॉर्ट ट्यूब कॉल्ड ईसोफेगस. तो फेरिंग्स जो होगा वो पीछे की तरफ किसमें, एक शॉर्ट ट्यूब के अंदर ओपन होता है, जिसे हम लोग ईसोफेगस कहेंगे. एंड देन उसके बाद ईसोफेगस जो होगा वो ओपन होगा स्टमक के अंदर. तो स्टमक जो होता है स्कॉलियोडॉन का, इट इज़ एक्चुअली अ यू शेप्ड लार्ज कैविटी, एंड इट इज़ इसको जो है स्टमक जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. इसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है वो कार्डियक स्टमक कहलाएगा, और जो इसका डिस्टल पोर्शन होता है वो इसका कहलाता है पाइलोरिक स्टमक. तो जो ईसोफेगस से कार्डियक स्टमक के अंदर खुलता है, ईसोफेगस जिस पोर्शन से पाइलोरिक कार्डियक स्टमक के अंदर खुलेगा, तो वहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होगा जिसे हम कहेंगे ईसोफेजियल वॉल. और पाइलोरिक स्टमक जो है जहाँ से इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है, वहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होगा जिसे अपन कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर. ओके, तो ईसोफेजियल वॉल प्रेजेंट होगा कहाँ पे, किसके बीच में होगा, ईसोफेगस और कार्डियक स्टमक के बीच में. और पाइलोरिक स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में क्या उपस्थित होगा, आपके पाइलोरिक वॉल जो है वो उपस्थित होता है. ओके, और इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आपका इंटेस्टाइन वाला पोर्शन. तो इंटेस्टाइन जो होती है स्कॉलियोडॉन की, इट इज स्ट्रेट एंड वाइड ट्यूब. इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन बिकम फोल्डेड टू फॉर्म स्क्रॉल वॉल विच सर्व्स टू डिले द पैसेज ऑफ फूड एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन. व्हाट इट मींस, एक्चुअल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अंदर की तरफ, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड पाए जाएंगे. और ये जो एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड हैं वो, उन्हें हम क्या कहेंगे, यहाँ ये कहलाते हैं स्क्रॉल वॉल कहलाते हैं, है ना. स्क्रॉल वॉल भी कहला सकते हैं या स्पायरल वॉल भी कहला सकते हैं. तो ये जो स्क्रॉल वॉल है या जो स्पायरल वॉल है, एक्चुअल में इनका क्या काम होता है, ये इंटेस्टाइन से फूड के ट्रांसफर होने के समय को बढ़ाते हैं, ना, डिले द पैसेज ऑफ फूड. जब खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास आउट हो रहा होता है, तो उसके समय को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होगा, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो इंटेस्टाइन में अगर खाना ज़्यादा समय तक रहेगा, है ना, तो खाना जो है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, खाने को एब्जॉर्ब होने के लिए ज़्यादा समय जो है वो मिलेगा.
ओके क्योंकि आपको पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ओके, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पीछे की तरफ जो है वो ओपन होगी एक शॉर्ट और नैरो ट्यूब में, जिसे हम लोग रेक्टम कहेंगे. और रेक्टम जो है वो पीछे की तरफ ओपन होता है एक ओपनिंग के अंदर, जिसे हम लोग एनस या वेंट्रल क्लोइका रीजन जो है वो कहलाता है. उसके बाद आप देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हुए जिसमें हम लोगों ने बताया कि माउथ हो गया, या फिर उसके बाद बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन एंड एज वेल एज लास्ट पोर्शन इज रेक्टम. अब ये जो है ये तो हम लोगों ने एक पैसेज बताया है जहाँ से खाना जो है वो स्कोलोडोन के अंदर पास आउट होता है, लेकिन उसके अलावा इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी उपस्थित होती हैं जिन्हें हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहेंगे. कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं उसके अंदर? इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होंगी लीवर है, पेनक्रियाज है, उसके अलावा जो है सीकल और रेक्टल ग्लैंड और एज वेल एज स्प्लिन इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो लीवर जो है आपको पता है इट इज एक्चुअली अ बिग येलो बाइलोब्ड ग्लैंड, है ना, दो लोब से मिलकर बनी हुई ग्लैंड होती है. और इसका क्या काम होता है? जो लीवर है इसका मेन फंक्शन होता है बाइल को सिक्रीट करना, है ना, बाइल को सिक्रीट करना एज वेल एज स्टोरेशन ऑफ ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लाइकोजन में. तो जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है वो कहाँ स्टोर होगा? लीवर के अंदर स्टोर होगा. इसके अलावा फैट को स्टोर करने का काम भी जो है वो लीवर करता है. तो लीवर जो है वो तीन इंपॉर्टेंट काम करेगा, बाइल का सिक्रीशन करेगा एज वेल एज ग्लाइकोजन का स्टोरेज एंड फैट का स्टोरेज करेगा. तो ये जो इसका लीवर होता है वो एक्चुअल में क्या करता है, बाइल का सिक्रीशन करता है जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम करता है, यानी बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट जो होते हैं उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा. और ये जो बाइल लीवर रिलीज कर रहा है वो जो बाइल होगा वो कहाँ स्टोर होता है? एक वी शेप्ड गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है. और ये जो गॉल ब्लैडर है वो लीवर के राइट लोब में उपस्थित होता है. अब यहाँ से जो हमारा गॉल ब्लैडर है स्फोलोडोन का, वहाँ से जो है बाइल किसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचाया जाएगा? गॉल ब्लैडर्स के थ्रू एक डक्ट निकलेगी जिसे हम बाइल डक्ट कहेंगे. तो ये जो बाइल डक्ट होती है वो ओपन होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ बाइल का सिक्रीशन जो है वो लीवर के द्वारा किया जाता है जो कि फर्दर फूड के डाइजेशन में रोल प्ले करेगा. पेनक्रियाज जो होगा इट इज़ ऑल्सो कॉम्पैक्ट वाइट और पेल बाइलोब्ड ग्लैंड जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में उपस्थित होगी, कार्डियक स्टमक जिसे हम लोग. और ये जो पेनक्रियाज होता है ये भी कई सारे पेनक्रेटिक जूसेस जो है वो रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से खाने का जो है वो प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है. देन नेक्स्ट आती है उसके अलावा सीकल ग्लैंड जो होती है, इट इज एक्चुअली अ स्मॉल फिंगर लाइक बॉडी अटैच्ड बाय इट्स डक्ट टू द डॉर्सल साइड ऑफ द रेक्टम इनटू व्हिच ओपन, है ना. तो ये जो सीकल ग्लैंड होती है एक्चुअल में वो रेक्टम का जो डॉर्सल पोर्शन है वहाँ पे सीकम के अंदर ओपन होती है. और ये जो सीकल ग्लैंड होगी इट इज हाईली वास्कुलर एंड कंपोज ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू. हाईली वास्कुलराइज दैट मीन्स ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लिम्फॉइड टिश्यू है, बट इट्स फंक्शन इज एक्चुअली अननोन, है ना, हम नहीं बता सकते कि ये एक्चुअली डाइजेशन में कोई रोल प्ले कर रही है या फिर हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कोई रोल जो है ये प्ले कर रही है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है ना. फिर नेक्स्ट ग्लैंड जो आता है इट इज स्प्लिन. इट इज लार्जर ग्लैंड क्लोजली अटैच टू द कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टमक. इट इज ऑल्सो अटैच विद पाइलोरिक एंड कार्डियक स्टमक बट इट हैज नो फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप विद द डाइजेस्टिव सिस्टम और वी कैन से एलिमेंट्री कैनाल. इट इज एक्चुअली फंक्शनली एसोसिएटेड विद सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलियोडॉन इन विच वी स्टडीड अबाउट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ओके, सो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर खाने का डाइजेशन होगा, और डाइजेशन किसकी हेल्प से होगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीशन होंगे डिफरेंट एंजाइम्स का, और ये जो एंजाइम्स हैं वो खाने को डाइजेस्ट करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.